हनुमान बेनीवाल के प्रिय नेताओं में शुमार थे। अब और पहले पहले क्या परिभाषा थी हनुमान बेनीवाल को लेकर, और अब आप कांग्रेस के हो चुके हो तो अब हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या परिभाषा है आपकी? रविंद्र सिंह भाटी भी तैयारी कर रहे हैं सर, और देव दर्शन यात्रा नाम से वो अपनी यात्रा चला रहे हैं, युवाओं के साथ, जनता के साथ, महिलाओं के साथ नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे से आप कुछ वोटों से चुनाव हारे थे, टक्कर दी थी आपने दो बार लगातार, तो आपको कुछ आश्वासन नहीं दिया गया कि आपको टिकट दिया जा सकता है, मंथन करेंगे? सर, नेता प्रतिपक्ष के राम जुली से अभी हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन हो सकता है नागौर सीकर, तो क्या हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का नागौर की लोकसभा सीट पर गठबंधन हो सकता है? इस वक्त हमारे साथ उमेदराम बेनीवाल जी हैं, जिन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। सर, सबसे पहले तो आपको पूछना चाहूँगा कि क्या आपको टिकट मिलने जा रहा है बाड़मेर जैसलमेर से? देखिए, टिकट का निर्णय तो पार्टी के आलाकमान बड़े नेता तय करेंगे। हमने तो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं और अपनी बाड़मेर की जनता की भावना को कदर करते हुए भावना के अनुसार निर्णय लिए। आप हनुमान बेनीवाल के प्रिय नेताओं में शुमार थे, अब और पहले पहले क्या परिभाषा थी हनुमान बेनीवाल को लेकर, और अब आप कांग्रेस के हो चुके हो तो अब हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या परिभाषा है आपकी? देखिए, हनुमान जी हमारे आदरणीय थे और आदरणीय रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से अभी हमने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ गए हैं। बाकी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमेशा उनको आदर्श माना है और आगे भी हमारे आदर्श रहेंगे, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के रूप से कांग्रेस से जुड़े हैं। अब सर, बाड़मेर जैसलमेर में तीन उम्मीदवार हो चुके हैं, एक आप हो गए हो उमेदराम बेनीवाल, एक हो गए हेमाराम चौधरी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 6 बार कामयाबी हाथ लगी। हरीश चौधरी जो कि सांसद रह चुके हैं, राहुल गांधी के खासम खास माने जाते हैं, तीनों नेताओं में से किसी को टिकट मिलता है तो आप उनके साथ डटकर मुकाबला करोगे भाजपा के खिलाफ? बिल्कुल, जो पार्टी के आला कमान जो निर्णय करेगा वही सबको मान्य होगा जी। रविंद्र सिंह भाटी भी तैयारी कर रहे हैं सर, और देव दर्शन यात्रा नाम से वो अपनी यात्रा चला रहे हैं, युवाओं के साथ, जनता के साथ, महिलाओं के साथ नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, भाटी साहब युवा नेता है और कॉलेज की राजनीति से निकले हुए हैं और अपने खुद के बूते पर दोनों बड़ी पार्टियों को टक्कर देते हुए नई दिल्ली प्रत्याशी के रूप में शिव से जीते हैं और अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। अगर उसमें प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करने भी चाहिए जी। उनको शुभकामनाएं, बाकी हम हमारी मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे और वो अपना अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं जी। तो आपके अंदरूनी तौर पे कोई बात नहीं हुई, आपको दिलासा नहीं किया गया आपको टिकट देंगे? आइए, हरीश चौधरी से आप कुछ वोटों से चुनाव हारे थे, टक्कर दी थी आपने दो बार लगातार, तो आपको कुछ आश्वासन नहीं दिया गया कि आपको टिकट दिया जा सकता है, मंथन करेंगे? देखिए, टिकट जो पार्टी सर्वे कराएगी, सर्वे के अंदर हमको अगर काबिल समझेगी टिकट के अंदर तो बने देगी, और नहीं तो हमारे से अच्छे कोई उम्मीदवार है उनको भी दे सकती है, हम तो पार्टी की रीति नीति से। अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा सर, नेता प्रतिपक्ष के राम जुली से अभी हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन हो सकता है नागौर सीकर, तो क्या हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का नागौर की लोकसभा सीट पर गठबंधन हो सकता है? बिल्कुल, वो तो पार्टी के बड़े नेताओं को पता है, लेकिन अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जब मिल के लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि वैसे अब बीजेपी बड़ी पार्टी है तो उसके सामने लगातार 2 बार कांग्रेस को निराशा लगी है, तो सब मिल के लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ये हमारे साथ थे उमेदराम बेनीवाल जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब देखते हैं कि जो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, नागौर की सीट पर गठबंधन होता है तो कैसा मुकाबला रहेगा, क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के लिए रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी पहले ही मुसीबत बने हुए हैं। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाजपा और रविंद्र सिंह भाटी को टक्कर दे पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।